हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे हो गए। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके जो भी क्रशेज, जिनके बारे में आप करंट में सोच रहे हो, उनकी इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके क्रश के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, या आपसे बात क्या करना चाहते हैं, ट्रू मैसेज द यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स उनके क्रश के लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त मेरे व्यूअर्स उनके क्रश के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो देखते हैं। आपकी करंट फीलिंग्स, मोरालिटी, आपको अच्छे से पता आपके जो भी क्रश है ना, बहुत ज़्यादा दुनिया के बारे में सोच रहे थे। इनको इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि दुनिया वाले आपके इस रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे, क्या नहीं, गलत होगा तो, और जैसे कि समाज में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आप दोनों की, जैसे कि हो सकता है कि आप दोनों का कल्चर बहुत ज़्यादा अलग हो, कास्ट में डिफरेंस हो, तो ना इनको इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हो सकता है कि ऐसे पर्सन है कि हर वक्त बहुत ज़्यादा लोगों से घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। किसी बड़े पोजीशन पे काम कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से इनको हर वक्त लोगों के बारे में सोचना ज़रूरी है। तो ये परेशान है बहुत ज़्यादा, आपको अच्छे से पता है कि आपको लाइक तो करते हैं लेकिन ये नहीं सुधरेंगे, उन्हीं के बारे में सोचेंगे, दुनिया के बारे में सोचेंगे और अपने प्यार की कुर्बानी देंगे। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आप इस रिलेशनशिप में दिल से रीयूनियन करना चाहते हो आपके क्रश के साथ। आपका माइंड इस वक्त बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, आप परेशान हो इस थर्ड पार्टी से। इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है जो कि रोमांटिक भी हो सकती है, तो आप जैसे कि उस थर्ड पार्टी को आपके इस रिश्ते से चले जाने का इंतज़ार कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, सैड एनर्जीज में हो इनको याद कर करके, क्योंकि आपने कभी भी नहीं सोचा था कि ये आपके क्रश आपको कभी इतना इग्नोर भी करेंगे। आपका इन्होंने कंप्लीट कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया है, जैसे कि आपको डर लगने लगा है आप प्यार करने से। आप शायद ही आप कभी किसी और से प्यार कर पाओगे, किसी और के ऊपर विश्वास कर पाओगे। इनोसेंस का कार्ड है यहाँ पे, आपको लगता है कि आपने इनको लाइक किया, आपने इनसे प्यार किया, क्या ये आपकी गलती है? नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया? प्यार करना कुछ गलत है? अगर गलती है तो कोई आपको सज़ा दे सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है। एग्जॉशन का कार्ड यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इनके बिना, सैड एनर्जीज में हो, जैसे कि बोला रो रहे हो, बीमार भी करंट में हो सकते हो, ठीक है। हम देखते हैं अगर ये फीलिंग्स आपकी है इस वक्त की, तो आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, यस, आपके जो भी क्रश है स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरियो, सजिटेरियस के हो सकते हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। और यहाँ पे नंबर है 8, 5, 9, 12, 14, 16, 2, 5, 21 आपके क्रश के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 10 भी है यहाँ पे। तो यस, आपके क्रश करंट में, इनका भी माइंड कुछ काम नहीं कर रहा है। इनके माइंड में जैसे कि आपको लेके ना अच्छा ना बुरा कुछ भी थॉट्स नहीं आ रहे हैं, बस इनको इस बात का अच्छे से पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। गिल्ट का कार्ड है यहाँ पे, इन्होंने आपके साथ जो भी किया है इस बात का करंट में इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। ये मतलब इस बातों से ना तो निकल पा रहे, इनको अच्छा, अगर आपको जो भी फील हुआ था ना कि ये आपको कभी भी मतलब मना नहीं कर सकते, तो फिर इन्होंने आपको मना क्यों किया? तो इन्होंने आपको जानबूझ के मना किया, ये नहीं चाहते थे आपको रिजेक्ट करना, ये आपको दिल से लाइक करते थे, लेकिन जो ओवर थिंकिंग, जो कि दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ये क्या बोलेगा, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, ये बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। तो जो कि अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाए और प्यार भी दूर हो गया, इस वजह से इनको गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने गलत किया आपके साथ। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है थर्ड पार्टीज़ का, जो भी इनका, जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ है, इनके मम्मी पापा, भाई बहन, रोमांटिक थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, लेकिन ये इनसे भागना चाहते हैं, परेशान हो चुके हैं इन थर्ड पार्टीज़ की एनर्जी से। इनको लग रहा है कि पता नहीं कब मैं अकेला रहूँगा और कब ये सब बोझ मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा, और जो कि आपके पास आ सकेंगे, इस तरह की एनर्जीज है। आपके इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली दिल से चेंज लाना चाहते हैं, जो भी रुकी हुई सिचुएशन करंट में है उसे बदलना चाहते हैं। कंप्लीशन का कार्ड है,
इन्होंने डिसाइड कर लिया है, ये आपके साथ इस रिश्ते में कंपटीशन चाहते हैं, ये खुद होके आएंगे आपके पास, आपको सॉरी बोलेंगे, कि प्रपोज भी खुद करेंगे, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया था, तो दिल से इस रिलेशनशिप में कंपटीशन लाना है, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, इस तरह के एनर्जीज है। तो करंट में आपसे बात क्या करना चाहते हैं, तो यस करंट में इनका ऐसे है कि इन्होंने होप्स नहीं खोए, इनको लगता है कि यस इस रिलेशनशिप में आज भी इनको होप्स है, अगर ये आते हैं आपसे बात करते हैं कुछ डिस्कस करते हैं आपकी थोड़ी सी लड़ाई होने के चांसेस है, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि अगर ये आपको समझाते हैं ठीक से रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज का कार्ड है यहाँ पे, इन्होंने अभी तक आपके इस रिश्ते से होप्स नहीं खोए है, भले ही इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है लेकिन रिश्ता स्टार्ट होगा, और जो कि स्टार्ट करना मेरे ही हाथ में है ये इनको अच्छे से पता है, ठीक है। तो इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में रहते हो, नेगेटिविटी में रहते हो, आप जहाँ पर भी करंट में हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है, तो आप खुश नहीं रह पा रहे हो, तो आपको यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलो, अपनी ज़िंदगी को खुल के जियो, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तभी आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। आप हैप्पी रहो क्योंकि ये आपके पास तो आने वाले हैं फ्यूचर में। तो यस यही है रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराने स्क्रीन पे देगा नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।